जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और उसके पति समेत देवर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। प्रेमिका की शादी होने के बाद भी युवक उससे छुप छुप कर मिलने की कोशिश करता था, जिसकी भनक महिला के पति को लग गई थी और उसके बाद पति ने ही अपनी पत्नी से उसके प्रेमी को सुनसान जगह पर बुलवाया था, जहां प्रेमिका ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। मेरे हस्बैंड जान रहे तो उसको फोन करके बुलाया सर, उसके बाद उसका हत्या कर दिया। मैं फोन की सर, उसके बाद वो आए मिलने के लिए, उसके बाद मेरे को गला लगा, उसके बाद मेरे हस्बैंड ना घन से मार दिए सिर को। वो बताए थे मेरे बारे में, जान रहे थे मेरे हस्बैंड ना, तो सलाह होकर आए थे अपने ससुराल से, भाई और मैं और मेरा हस्बैंड। तालाब के पास, खैया तालाब के पास, उसको झाड़ी के पास रख दिए। सुबह निकल गए 7 बजे अपने घर से मैके से, उसके बाद अपने ससुराल आ गए। उस घन को मेरे हस्बैंड एक झाड़ी में लुको दिए। मेरे हस्बैंड को मैं समझाई सर ऐसे ऐसे मत करो कहकर, तो नहीं माने, उसको मार दिए। अब सोच कर भी क्या करेंगे सर, गलती कर डाले हैं तो सोचेंगे क्या मिलेगा, किस्मत ऊपर है सर वो तो। मृतक चूड़ामढ़ी कैवर्त के पिता के द्वारा दिनांक 4 तारीख को आकर के थाना में सूचना दिया कि इसके पिता बेटे जो कि 2 तारीख से लापता है और आज दिनांक तक इसके पता नहीं चल पाया है। इसकी रिपोर्ट पर गुमनिशान दर्ज किया गया था थाने में और गुमनिशान दर्ज कर इसकी जांच योजना की जा रही थी। तत्पश्चात 11 तारीख को एक कंकाल, नर कंकाल हमको तालाब के पास मिला तरौद गांव में। जांच में सामने आया कि जब इसका कॉल डिटेल लिया गया लड़के के मोबाइल का, तो पता चला कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी वही गांव की, सोनिया यादव, जिनके द्वारा रात में 2 तारीख और 3 तारीख की मध्य रात्रि में कंटिन्यू करीब 10 मिनट के आसपास बात किया गया था। उसके आधार पे उस लड़की को, उस महिला को यहाँ पे तलब किया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में फिर सारी बात उसने बताई और इसका पूर्व में इस लड़के से इसका संबंध था, अवैध संबंध था, प्रेम प्रसंग था, और इस बात की जानकारी इसके पति को होने पर वो 2 तारीख को वहीं से प्लानिंग कर कि मुझे इसको मारना है, और अपनी पत्नी को जो सोनिया यादव को प्रेशर दिया कि तुम उस लड़के को बुलाओ। वो फिर रात में इसको फ़ोन करके बुलाई और बुलाने के बाद वो वहीं छुपा हुआ था और अपने साथ ये वहीं से लोहे का घन भी लेके आया था कि उसको मारना ही है, ये प्लान करके। और रात में जब आया वो, तो उसको फिर ये ताड़ बतोड़ जो है